के सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। सुनिए भैया, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे, घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे, तो ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा, घर में भूखी ये मैया ब्राह्मण और जिसने पैदा और जिसने पैदा किया उनको माना नहीं। आज 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 कैसा समाज है, जिसने 9 माह घर में रखा और जिसने पैदा किया पाल पोस के बड़ा कर दिया, आज उसको मान नहीं रहा है। लेकिन मान किसको रहा है, माता जी को मान रहा है। सुनिएगा तो फर्क सुनिए, और जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो किस हाल में ये जाना नहीं। मोहन भाई, निज मैया के तन पे धोती फटी, अगर माँ के अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपना स्तनपान कराया, ये हमें संसार दिखाया, उसी माँ की कृपा है। क्योंकि बढ़ते ही जाते हैं इतने एहसान, न माँ के कम होते, और माँ के बिना इस दुनिया में ना तुम होते ना हम होते, ये माँ की कृपा है। इसलिए सुनिए, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो किस हाल में ये जाना नहीं। सुनिए भैया, सुनिए क्यों, तो निज जननी के तन पे धोती फटी, चूंदर मंदिर चढ़ाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। अगला बंदोर सुनो भैया, बहुत समय नहीं है, बहुत छोटे से रूप में, और चलते फिरते घर में रहे, अरे माँ बाप ही वो भगवान है, जो साक्षात भगवान है, चलते फिरते भगवान है। आज पत्थर में हमारी तुम्हारी आस्था है, मैं नहीं कहता कि माँ नहीं है, माँ है, लेकिन माँ का स्वरूप नहीं देखा। पता नहीं किस चित्रकार ने कौन से समय कैसा स्वरूप बना दिया, आज इन्हीं को माँ मान रहे हैं हम लोग। लेकिन जो साक्षात माँ है, जिसने हमें पैदा किया, भगवान कोई और नहीं है, माता पिता ही भगवान है। इसलिए सुनिए, और चलते फिरते जो भगवान घर में रहे, छोड़े इनको भटकता क्यों संसार में, क्यों चलते फिरते जो भगवान घर में रहे, छोड़े इनको भटकता क्यों संसार में, और पिता पानी को प्यासे तरसते रहे। अभी श्रावण मास गया है, इसी समय गीत लिखा था मैंने पिछली बार, तो सुनिए एक भाव आया दिमाग में, पिताजी ने पानी के लिए कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो, तो कहा मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, ऐसा करना तो किसी से मंगा लेना। अब सुनिएगा, और पिता पानी को प्यासे तरसते रहे, काबर से वो पर चढ़ाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। दर 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 दर।
करोड़ी बेटा ऐसा करता है, हरिद्वार में जाकर के कुंभ में भंडारा चला रहा है, संत ब्राह्मणों का निमंत्रण कर रहा है, हम इतनी बड़ी पंगत जो है खिला रहे हैं और माता को अपनी माँ है उसको वो घर में बैठी रहे भूखी, तो इस पंगत का क्या फायदा हमारा तुम्हारा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। सुनिए, तो बारे इंसान तूने तजी क्यों शरम। अब सुनिए, एक भाव आया दिमाग में, क्यों? पहले मंदिर थे, बहुत कुछ था, लेकिन अब एक नई चलन और है, वो बनने लगे हैं, जगह जगह बहुत बन गए हैं। वृद्धाश्रम पहले नहीं थे, आपके जमाने में नहीं होंगे, आज जो है वृद्धाश्रम बहुत बन रहे हैं। तो सुनिए कारण क्या है। हाँ, अपना घर, भाई अपना घर, अपने घर से निकाल दिया बच्चों ने तो वही अपना घर है, लेकिन मैं कह चुका हूँ वो अपने बच्चों से इज्जत करा नहीं सकता जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। सुनिए, और बाहर इंसान तूने तजी क्यों शरम, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा और वृद्धाश्रम। अगर ऐसा करेगा तो सुन सुन बेटा मोहन, अरे सुन ले मोहन, तेरा नहीं होगा भला, सुन ले मोहन, तेरा नहीं होगा भला। गीत इसने कहा, गुरुजी मुझे कुछ गीत कैसेट में गाने हैं, आप ऐसे गीत लिख दो। तो मैंने जब लिखा, लेकिन इसका चाल चलन मैंने देखा तो इधर लिख दिया मैंने, बेटा अगर ऐसा करोगे आप दुनिया में कहीं जाओ, भक्ति गीत गा रहे हो, माँ बाप दुखी हैं, तो तेरा भला नहीं होगा। सुनिए, तो सुन ले मोहन, तेरा नहीं होगा भला, राम गुरु ज्ञान पाने पे क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, और घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे। भाई तो संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा, बोलिए सच्चे दरबार।